दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता बिस्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सवेरे, और देखते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या होता है। अभी नाश्ता बनाना भी बाकी है और मुझे जाना है मंदिर। फिर देखते हैं अभी क्या क्या होता है। और आप मेरे साथ यूं ही बने रहना, मैं आपको आज दिन भर का दिखाऊंगी कि जो भी होगा मैं वो आपको दिखाऊंगी। देखिए, हम लोग आए थे मंदिर और किसी ने कहा कि हम गढ़वालियों का लास्ट सावन है, मतलब लास्ट सावन का सोमवार है, लेकिन कोई मना कर रहा ना, कोई मना कर रहा कि अभी इस बार अधिक मास जा रहा है तो हम गढ़वालियों का भी पूरा महीना चलेगा, पूरा महीना। अच्छा, पता नहीं, हम तो यही सोच के आए थे कि सावन का लास्ट सोमवार है इसलिए पानी चढ़ाने आए थे। और ये देखो, आज हमारे साथ बच्चे लोग भी आ रखे, ये सब लोग आ रखे हैं पानी चढ़ाने। और ये है गुन्नू, गुन्नू प्रसाद माई माई। और ये है गुन्नू और ये है ऐना। मैं नाम में कन्फ्यूज हो जाती। चलो, दर्शन तो हमने कर लिए, अब चलते हैं घर की ओर। ये देखिए, गाड़ी में जगह नहीं हुई और दोनों ओम को हमने डिक्की में डाल दिया है, बड़ा ओम छोटा ओम। हाय हेलो तो करो भाई यार। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry. देखिए, आज बनाएंगे हम चीज और पनीर के पराठे, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है इसलिए हम बना रहे हैं चीज और पनीर के पराठे। और कब करेंगे हम नाश्ता, और आप मेरे साथ यू ही बने रहना। देखिए, चुनमुन ने भी कर लिया है नाश्ता। कैसा और चुनमुन पराठा? बहुत टेस्टी हो रहा है, चीज और पनीर का पराठा है, ठीक है, ज्यादा टेस्टी हो रहा है। और आज चुनमुन के टांके भी कट चुके हैं, और चुनमुन सुबह सुबह अपने टांके कटवाकर पट्टी हटाकर आ चुका है और खा रहा है गरम गरम पराठे। और ये देखिए, एक चुनमुन के पीछे, इधर को आता हूँ, इधर आता, तू नहा गया? ये देखिए इसकी ड्रेस, देखिए ये रूपा के कच्छा बनियान वाले हैं ये दोनों के दोनों, ओम और सोम। ओम अपना ऐड दिखा तो, रूपा वाला अपना कच्छा बनी का बताता हूँ, हैं बताओ तो। आ भाई ओम, इधर आ। और वो क्या कपड़े ऐसे क्यों कर रखे ओम, हैं? तेरे पे तमीज नहीं है कपड़े पहनने की? यहाँ पे आ, ऊपर पे आ, ढंग से पहन, ढंग से पहन। ये देखिए, ये है सोम, इधर इधर आ, इधर इधर आ, ये उर्फी देखो उधर से दिखा, यहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ दिखा। ये देखिए, ये है सोम का लुक घर में, ये ओम का, ओम ऐसे ही रहता है। और सोम भी, सोम को तो आपने अधिकांश देखा होगा, ओम को पहली बार देख रहे हैं। क्या बता रहा सोम? कपड़े पहने हैं आज। कपड़े पहने? बहुत अच्छा किया तूने कपड़े पहने हैं, नहीं तो कपड़े नहीं पहनता तू। बाप रे, इसको ये बीमार नहीं होगा? अरे नहाया, सीधा कोल्ड ड्रिंक पी रहा, पक्का। देखो यहाँ होने क्यों कर रहा हूँ उसको परेशान। ठंड नहीं लग रही तुझको उसको पी के? हैं, कैसा हो रहा हो? ठंडा ठंडा ये खत्म हो गया ना के कहाँ से? खत्म कर दिया तूने पूरा? बोला खत्म कर दिया। ये है रूपा कच्छा बनियान। इसको क्यूब सॉल्व करना नहीं आता? हाँ, ये क्यूब मंगाया इसने लेकिन आता इसको नहीं है। ये बन चुका है हमारा चीज़ और पनीर का पराठा, और बच्चों को मैंने खिला लिया। लास्ट में मैंने अपने लिए बनाया एक पराठा, और मैं लाई हूँ आम और आंवले का अचार पराठे के साथ, और थोड़ा सा सॉस। अब करेंगे नाश्ता, और आप लोग भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। क्यों छोमू? और ये देखो, सोम मुझे कह रहा है कि इसके साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी पियो नाश्ते के साथ। नहीं पी रही हूँ मैं, हटा उसको वहाँ से, चल ले तू पी ले, ले। ये देखो, ये सुबह सुबह इसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पी रही। ठंडा नहीं हो रहा तुझे? अब भी नहा के आए, ले पराठा खा ले। मैं नहीं खाई। क्यों नहीं खा रहा? अच्छा नहीं हो रहा? टेस्टी नहीं हो रहा है? इधर देख के बोल, टेस्टी हो रहा? नहीं। अच्छा बेटा, फोन पे बोल रहा टेस्टी नहीं हो रहा, रुक जा रुक जा। चलो मैं भी करती हूँ नाश्ता, आप यूं ही बने रहना, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ओम सोम भी हो गए हैं तैयार, और आज ये जा रहे हैं अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। हो गए तुम दोनों तैयार? बैग रख दिया? शूज कहाँ है? सैंडल वगैरह कुछ नहीं पहनना है? सोम तू भी जा रहा कि बॉय के साथ रह रहा? यही रह ले। नहीं नहीं, मैं साथ रह रह ले भाई। ओम सैंडल पहन कर क्या, वो ऐसे कहाँ जा रहा तू बाहर? हैं, क्या बोल रहा उसको बोल? इलेक्ट्रिक बॉक्स में जा रहा?
ये जा रहे हैं आज बनो वाला अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ, है ना? बड़ो वाला वो नजदीक पड़ता है। पूजा लोग भी जाने लग गए हैं, आज बच्चों की छुट्टी और कल है संडे। आगे आगे सोम इतने नहीं आएंगे बेटा, एम उसको आगे खड़ा कर। सोम तू नहीं बेटा, आगे खड़ा हो जा, चल जैसे स्कूल जा समय रहता, आराम से बैठो, उसको पूरा पीठ पे लगा पूजा, पहुँच के फ़ोन कर देना हाँ। ओके अब मामा जल्दी आएंगे तो तब हम दो भी आएंगे। ओके हाँ और बिल्कुल भाई तुम आ वहीं रह रहे, ठीक है चलो निकलो थोड़ा आगे कर। ना ना और क्या हो जाएगी जगह, आराम से जाना है, बाय आराम से जाओ, बाय 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 आराम से जाओ। ये निकल चुके हैं बड़ों वाला, आज ये जा रहे हैं दीना के यहाँ और हम चलते हैं अंदर की ओर। और यहाँ पे आ रखे ये सब लोग आज सूट साड़ी देखने, सिल्क की सूट साड़ियाँ आ रखी थी, किसी को कुछ पसंद नहीं आए, किसी को कुछ पसंद नहीं आए भैया, वही तो आपका हमने खाली टाइम वेस्ट कर दिया, क्या करें पसंद ही नहीं आए। जब रेखा को भी नहीं आया, ममता को भी नहीं आया, राखी को भी नहीं आया और मुझे भी नहीं आया। बॉर्डर वाला बोल रहे थे नहीं आए भैया, समझ में नहीं आए, थोड़ा मुझे कपड़ा वैसा चाहिए था ना, वो वैसा कपड़ा नहीं है जैसा मैं देख रही थी। देखिए देहरादून का मौसम, बाप रे डेली बारिश है यहाँ, ये देख सकते हैं पूरे बादल लगे हुए हैं और बाहर झमाझम बारिश गिर रही है। That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. यार बीपी लो तो नहीं है, हार्ट बीट बढ़ी हुई है और राखी भी कर रही है अपना चेक। राखी ने कहा जब मैं आ रही हूँ तो मैं क्यों ना अपना भी करा लूँ, देखते हैं। और ममता का भी किया, ममता परफेक्ट है अभी, मेरा थोड़ा वो है लेकिन ममता का सब चीज़ परफेक्ट है ना रेखा, मेरे से मतलब वो बिल्कुल फिट है, स्वस्थ जिसको बोलते हैं। और मेरा आपका था 63, 112 और 91 हार्ट रेट। अच्छा अब देखते हैं राखी हम मेरे से स्वस्थ है या राखी, बोलना नहीं है, जितना तूने हमारे बारे में बोलना था वो बोल दिया है, अभी बिल्कुल चुप रहे, अब हमारी बारी है बोलने की। भाभी का भी लोग होता है ना आपका भी, जब भी चेक करते थे लोग होता था। परफेक्ट ही होगा अभी, वो स्वस्थ है तो। मेरे को तो हो रहा था घबराहट बेचैन, मेरे को अभी भी हो रहा अजीब सा, ठीक है ठीक है फिट है राखी भी, फिट है राखी, टेंशन चल तब फीस निकाल डॉक्टर साहब की, फीस एक किसी दे दो डॉक्टर को, देख रहे ऐसे डॉक्टर मिल जाए ना, ऐसे किसी वाले डॉक्टर मिल जाए ना, किसी चाहिए डॉक्टर को वही तो। और जिसको भी संपर्क करना हो मुफ्त में, सिर्फ एक किसी देना है तो रेखा से करवा लेना। अब रेखा अपना चेक कर रही है, डॉक्टर साहब बीच बीच में अपना भी करता रहता है चेक, वही तो। हम सब लोग फिट निकले और डॉक्टर साहब निकला बीमार, डॉक्टर का बड़ा हुआ है, भले मेरा थोड़ा घट है, ममता का फिट है, राखी का फिट है, लेकिन हमारा डॉक्टर साहब रे रबा बड़ा हुआ है। बोला डॉक्टर टेंशन लेने लग गया, टेंशन की कोई बात नहीं, इतना ऊपर नीचे होता रहता है, चलो डॉक्टर साहब को बुरांस का जूस पिलाते हैं हम। मेरी फ्रेंड लोग आ रखी हैं और उन लोगों के लिए मैंने बना लिया है बुरांस का जूस और ले चलती हूँ मैं उनको, पिलाते हैं बुरांस का जूस क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, चाय क्या बनाना, इसलिए मैंने सोचा बुरांस का जूस ही पिलाते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, सब चीज़ के लिए अच्छा। ये लो भाई तुम्हारे लिए मैं जूस लेके आ गई हूँ, जूस पियो और स्वस्थ रहो, पकड़ तो रेखा लो आओ इधर इधर आओ, बुरास का जूस पिए, चलो बुरास का जूस अच्छा होता है, लेडीजों के लिए बुरास का जूस सबसे फायदेमंद है, हार्ट वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेडीज हो या जेंट्स कोई भी हो, हार्ट वालों के लिए है ना, इसलिए रेखा पी ले, राखी और मैं तो लो वाले हैं, ममता फिट है और रेखा हाई वाली है, पी ले बहन हाई वाले पी लो। देखिए इसको कहते हैं गंडीला,
और पल्लवी बहन ने लिखा था कि गंडेला किसे कहते हैं, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ कि इसको कहते हैं गंडेला। जो सावन के महीने की खीर नहीं खाता है तो ऐसा गंडेला बन जाता है अगले जन्म में। देखिए इसको छेड़ेंगे हम, ये देखिए उसने अपना सींग अंदर छुपा लिया है और फिर निकाल लेगा वो। और बरसात के मौसम में इतने गंडेले दिखाई देते हैं। ये पल्लवी को मैं गंडेले दिखाने के बहाने कहाँ कहाँ नहीं गई, बड़ी मुश्किल से आज मुझे गंडेला मिला, इसलिए मैंने गंडेले की वीडियो निकाली है। ये सिर्फ ओनली पल्लवी बहन को दिखाने के लिए है। देखो ओम आए था हमारे यहाँ और मैंने ओम को एक फल खाने को दिया तो ओम कह रहा ताई चूली है, ये चूली है क्या है? खजूर। बेटा खजूर तो अभी ताऊ ने कहा था, बहुत बोल रहा है तू खजूर, दिखा वो फल। अब बीज देख उसके अंदर, बीज निकाल के दिखा। पहले फल कैसा हो रहा? अच्छा हो रहा, पहले मुँह में अजीब सा हो रहा ना खाने में, लेकिन उसके बाद अच्छा हो रहा है। ये देखिए ये है खजूर का बीज, टेस्टी है, टेस्टी लग रहा तुझे फल? तो एक और ले ले, जा बाहर जा खा ले यार, ले ले जा। ये तुझे कोल्ड ड्रिंक कहाँ है तेरे? कोल्ड ड्रिंक बेटा रात के 9 बजने वाले हैं और तू रात को कोल्ड ड्रिंक पिएगा? बाहर बारिश आ रही, कितनी ठंड लग रही, बीमार नहीं होगा? नहीं बीमार होते अपने, कल पीना ठीक है? नहीं। ये बहुत जिद्दी है, देखो ये कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद कर रहा है। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले आया है यहाँ घर पे, ये जा रखा था घूमने। क्या चाहिए? कोको कोला। कहाँ से लाऊं मैं तुझे कोको कोला? कहाँ से दूं मैं तुझे कोला? वो तो ओम गए, तूने अपना पी लिया ना, ओम गए वो, चल इधर ला। फिर जिद मत कर, इधर ला, इधर ला सोम, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात दे रहे हो ना, तो इधर ला। खोलो मार पड़ेगी ना, हैं? खोलो। क्या बोला आपने? प्लीज खोलो। कल कितनी छानी गिच्ची है इसकी, देखो तो गधा कहीं का। कल पिएगा, अभी फ्रिज में रख देते, फ्रिज में रख रही हूँ मैं अभी ना, फ्रिज में रख रही हूँ मैं, देख कल पीना भाई तेरा ही है, कल पीना। गंदी बात यार, फिर बीमार हो जाएगा। कल परसों तुझे बुखार आया था ना, जब पट्टी रख के मैंने तुझे सही किया था, याद है? कहाँ पे रखी थी पट्टी, जल्दी बता कहाँ पे रखी थी? हाँ लेट के कहाँ पे रखी बुआ ने, दिखा कहाँ पे रखी? सर पे रखी थी ना, दिखा इसमें पहले, बता कहाँ पे रखी थी पट्टी, हाथ से बता। कैसे लेटा तू, कैसे लेट के बोई ने पट्टी रखी, कहाँ पे रखी बताओ, कहाँ पे रखी थी पट्टी दिखाओ। गधा कहीं चली डाला, नहीं पीना अभी, जिद मत किया कर हर चीज़ के लिए। कल पीना तेरा ही है, कल तेरा ही है, तुझी को मिलेगा। नहीं मुझे कल चाहिए। अब कल पिएगा? नहीं मुझे कल चाहिए। हाँ ठीक है कल चाहिए, ठीक है फ्रिज में रख देंगे, वेरी गुड। ओम क्या कर रहा है बेटा? पी लिया ना तूने सारा, पी लिया? ओम को नहीं रखा तू, पूरा पी लिया है? ये देखो पी के डकार मार रहा है, ये कैसे डकार मार रहा? रुक जा बेटा रुक जा, बीमार नहीं हुआ ना तो उस समय कहना इतने रात को पी रहा। अभी तेरी मम्मी देखी, तेरी पिटाई हो जाएगी देख लेना। खड़ा हो के पी, बदतमीज कहीं का, खड़ा हो, मैंने कहा खड़ा हो, खड़ा हो। खाना नहीं खा रहा? तेरे लिए रोटी ले आऊँ हैं, क्या करूँ पराठा बनाऊँ, क्या खाएगा जल्दी वो? छिछी पिट गया, पिट गया, पिट गया मेरे हाथ से, देखो इसको चिच्ची। अब मार खा दी बेटा, मार खा दी, मेरी बेडशीट गंदी कर दी ना। क्यों 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 की मेरी बेडशीट गंदी, क्योंकि मत पी कह रही मैं अभी भी, उल्टी हो जा, इधर ला बदतमीज कहीं का। आज बना दिए हमने सावन के महीने खीर, और मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था रीना वाले में कि खीर खानी है सावन के महीने, अगर नहीं खाएंगे तो हमारे गढ़वाल में पहाड़ में बोलते हैं कि गंडेला बन जाएंगे, बाकी जगह पता नहीं क्या बोलते। और इसके साथ बनाया है मैंने शाही पनीर और रोटी, अब खाएंगे हम खाना। सावन के महीने की खीर भी खा ली है हमने, बच्चों को खिला लिया है, अब हम खाएंगे। दो दूध यहाँ पे है मेरे, दूधों ने भी खा दिया है, अब हम खाएंगे, शुरू करेंगे अब खाना। और इसी ब्लॉग में आपको गंडेला भी देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, तो अब हमने खाना खा दिया है और हमने आज खाने में खाई थी खीर, खीर यस हाँ, और शाही पनीर और पराठा। तूने पराठा खाया लेकिन हमने रोटी खाई थी। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम आप
मिलते हम आपको नई ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ, तब तक के लिए जय बद्री विशाल।